हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारे पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अक्सर बरसात में सभी की डिमांड रहती है कि चाय के साथ कुछ चटपटा मज़ेदार हो जाए। तो आज मैं आपके साथ ऐसे पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी जिन्हें बनाना बेहद आसान है और घर में रखे हुए सामान से हम इन्हें झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। आप इन पकौड़ों को बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर इन पकौड़ों को आप चाय के साथ सुबह शाम कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं ये पकौड़े। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो दोस्तों, इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ आलू ले लिए हैं। ये आलू बॉयल्ड हैं और पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें काट लेना है। तो काटते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनके पीस बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं। तो इस तरह चार टुकड़ों में आप इन्हें काट के रख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, साइज़ इसका बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। जितना मैंने आपको दिखाया है कम से कम उतना आप ज़रूर रखें। अगर आलू आपके पास बड़ा है तो आप इसमें से 6 पीस भी कर सकते हैं। मेरे आलू थोड़े छोटे छोटे थे इसलिए मैंने इनके 4 पीस कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह सभी को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ सभी आलूओं को मैंने कट कर लिया है और अब मैं पास से आपको एक बार दिखा देती हूँ कि इनका साइज़ मैंने कितना रखा है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगभग 1 चम्मच लिया है भुने जीरे का पाउडर और साथ में ही लिया है अदरक का पेस्ट। आप यहाँ पे अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट डाल सकते हैं पर मैंने सिर्फ अदरक का डाला है। साथ ही लिया है थोड़ा सा नींबू का रस लगभग 1 से 2 चम्मच और थोड़ा सा काला नमक। साथ में ही लिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के लिए आप इस तरह इन्हें टॉस कर दीजिए और अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे, सभी मसाले आलूओं के ऊपर कोट हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने किया है आप भी इस तरह कर सकते हैं। ढक के इन्हें साइड में रख दीजिए और अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने धुली हुई मूंग की दाल रात भर के लिए भिगो दी थी और अच्छे से ये भीग गई है। तो चलिए अब इन्हें हम पीस लेते हैं। तो इस तरह एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम दाल को डालेंगे और इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। इनको हमें इसके साथ ही पीसना है। आप चाहें तो यहाँ पे 1-2 कली लहसुन की भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 1 मिर्च मैंने काट के डाल दी है, साथ में ही थोड़ा सा अदरक डाल दिया है और अब मैंने डाला है यहाँ पे 1 से 2 चम्मच पानी। पानी आपको बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा पेस्ट हमें यहाँ पर चाहिए। तो देखिए, इस तरह ढक्कन लगा के हम इसका एक बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पेस्ट भी बनके तैयार है। अब इसे हम दूसरे बोल में कर लेते हैं ट्रांसफ़र। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ आपको कितनी रखनी है। तो ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है इसे। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैंने डाला है हींग, थोड़ा सा नमक। नमक आप यहाँ पर सफ़ेद या काला कैसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दोनों डाल दिया है, थोड़ा सा सफ़ेद और थोड़ा सा काला। साथ ही डाला है 1 चम्मच छोटी वाली भर के धनिया पाउडर, साथ में ही 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और उसी के साथ साथ डालेंगे 1 छोटी चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं और लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही डाला है खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिए से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, साथ ही बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये तो हमारा पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार है पकौड़ों के लिए। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। आपको इसमें इनो, बेकिंग पाउडर, सोडा वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपको ये मिक्स बना के तैयार कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू भी बिल्कुल तैयार है और दाल का बैटर भी बन के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इन्हें बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, एक आलू का टुकड़ा लेना है और इस तरह दाल में डिप करना है और एक्स्ट्रा जो भी दाल है उसे आप स्पून की मदद से हटा दीजिए और सीधे गरम गरम कढ़ाई में डाल दीजिए। तो देखिए, यहाँ मैंने तेल गरम करने पहले ही रख दिया है और तेल काफ़ी अच्छा गरम हो गया है।
अब हम एक आलू के पीस को उठाएंगे और दाल में अच्छे से कोट कर लेंगे। चाहे तो आप ये प्रोसेस हाथ से कर सकते हैं या फिर आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरह आप हाथों की मदद से एक एक आलू को दाल में डिप करके डायरेक्ट तेल में डाल दीजिए। तो गरम गरम आपको तेल में डालने हैं यहाँ पे, और बाद में इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह जब आप पकोड़े बनाएंगे तो इनका एकदम अलग ही फ्लेवर आएगा और दाल की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आपको इसमें कुछ भी और ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इस तरह ये पकोड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे से हल्के हल्के अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, तो अब इन्हें हम पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी शेप आई है और साथ में ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे ये पकौड़े। तो फ्रेंड्स, इस तरह दोनों साइड अलट पलट के गोल्डन कलर आने तक आप इन्हें अच्छे से सेक लीजिए, और जब ये सिक जाएं तो आप इन्हें निकाल लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, पकौड़े तो अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं और साथ ही बहुत अच्छा इन पर कलर आ गया है। मैं आपको पास से बिल्कुल दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर कलर आ रहा है इन पे, और देख के ही लग रहा है ना कितने ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस बने हैं ये पकौड़े। तो चलिए फटाफट से सभी को अब निकाल लेते हैं कढ़ाई में से और इन्हें कर लेते हैं सर्व। तो आप इन्हें टमाटो केचप के साथ, हरे धनिए की चटनी के साथ, या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। तो एक बार आप इन पकौड़ों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, घर में सबको बहुत पसंद आने वाली है, और बरसात के मौसम में तो ये चार चांद लगा देंगी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह के पकौड़े। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार तो आप इन्हें ज़रूर बना के ट्राई करें। तो फ्रेंड, ये थी आज की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, और अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।